हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। सो फ्रेंड, एडमिट कार्ड आ चुका है, सभी को पता है डाउनलोड कैसे करना है, किस तरीके से क्या क्या यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, सभी कुछ डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड, KGMU और ABMU BSc नर्सिंग 2023-2024 एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने जा रहा है। सभी को पता है आज 25th है फ्रेंड, आज आपका जो है एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। आप जा कर के अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, आईडी हो वो अपना चेक कर सकते हैं किस तरीके से डाउनलोड करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लीजिए, क्रोम ब्राउज़र या फिर जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, ABBMU, ठीक है, डाल करके आप ये यहाँ पर सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरीके से करना है, सभी कुछ बात करेंगे। यहाँ पर आपको ये पहला कॉलम दिख रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक होने के बाद में नेक्स्ट पेज ओपन होकर के आ जाएगा आपका। उसके बाद में यहाँ आप नोटिस देख सकते हैं, एडमिट कार्ड फॉर सीनेट 2023 इज़ नाउ लाइव, कैंडिडेट कैन लॉग इन टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। आपको अपना जो भी कैंडिडेट आपने BSc नर्सिंग का जो फॉर्म भरा था उसके अकॉर्डिंग जो आपको ID, पासवर्ड, जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया था वो आपको डाल करके अपना लॉगिन करना है, उसके बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सो डाउनलोड करना किस तरीके से है, BSc नर्सिंग का ये इन्फॉर्मेशन आपको ब्राउचर के नीचे ये रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, पे एंड फिल फॉर्म दिख रहा होगा, ये वाला बॉक्स। तो यहाँ पर जाकर के आप क्लिक करना है ये येलो वाले बॉक्स पर। फ्रेंड, यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर के आएगा, जहाँ पर आपको अपनी ID, पासवर्ड, जो भी आपने लिया होगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दोनों कर सकते हैं। तो आपको लॉगिन करना है तो आपके पास पासवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर मांगा क्या गया है आपसे, BSc नर्सिंग 4 ईयर्स का है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये फिलअप करना होगा फॉर्म, जो भी है अपना नेम, रजिस्ट्रेशन ID, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपका जो भी यहाँ पर एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा डाउनलोड करने के लिए लेफ्ट साइड में, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी बच्चे का हम एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड करके नहीं दिखा सकते, या डाउनलोड हुआ है जो भी है वो नहीं दिखा सकते एज अ प्राइवेसी। सो आई होप सभी को समझ में आया हो कि वीडियो किस टॉपिक पर थी, किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। और यहाँ पर एक लास्ट सजेशन मैं और देना चाहूँगी फ्रेंड्स सभी को, कि देखिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी नोटिस आता है ना उसी पर विश्वास करिए, उसके अदर आप किसी नोटिस पर विश्वास ना कीजिए। क्योंकि देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिस आएगा वो रियल होता है, ठीक है, क्योंकि ये सरकार की तरफ से होगा, ठीक है। उसके अदरवाइज़ देखिए कभी काफ़ी लोग क्या कहते हैं कि आपको 18 को एग्ज़ाम है, काफ़ी लोग कह रहे थे कि 18 को एग्ज़ाम नहीं है, 4 को एग्ज़ाम है। तो आप उस चीज़ की कन्फ्यूज़न में क्यों रहते हो, 18 और 4 की कन्फ्यूज़न में क्यों? आप सीधे जा करके लॉगिन कर लो ना अपना ये BSc नर्सिंग के लिए जो सीनेट का, आप ABBMU जा करके डाउनलोड कर लीजिए अपना, कहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में आपको दिया होगा वहाँ पर 4 जून को आपका एग्ज़ाम है। तो क्लियरली याद रखिए, आप अफवाहें ना पढ़िए इधर उधर की, सिर्फ आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी आपको यहाँ पर नोटिस मिलेगा देखने को उस पर ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ कुछ भी आपको इधर उधर का नहीं सुनना है। सो फ्रेंड्स, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आई होप सभी को कॉलेज मिले, अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए, आज से आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए, अपना फॉर्म जो भी एडमिट कार्ड आया देख लीजिए सेंटर वगैरह अपना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए अपना सभी लोग, गुड नाइट।